हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड शुगर टेस्ट के बारे में। तो जब भी ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, यानी कि जो ब्लड शुगर लिया जाता है तो उसके अंदर क्या टेस्ट किया जाता है, तो वो सारे हम जानेंगे। उसकी डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे और नॉर्मल रेंज के बारे में जानेंगे और प्री डायबिटिक्स जो है वो कितना होना चाहिए, तो ये सारा हम इसमें ब्लड शुगर टेस्ट में देखेंगे। तो ब्लड शुगर टेस्ट में क्या होता है, प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रेंज कितनी रहेगी सभी टेस्ट के बारे में, और प्री डायबिटिक है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम टेस्ट। जब भी ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है सबसे पहले रैंडम टेस्ट किया जाता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट चेक योर बॉडी ग्लूकोज एट द रैंडम टाइम ऑफ द डे। एक रैंडम ब्लड शुगर जो है वो चेक की जाती है। तो इसमें क्या है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो चेक किया जाता है, एक रैंडम टाइम दिया जाता है दिन का, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है। तो नॉर्मल जो रेंज रहनी चाहिए रैंडम ब्लड शुगर की, वो होनी चाहिए 79 से लेकर 160 mg/dL जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद आता है फास्टिंग टेस्ट किया जाता है। ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फास्टिंग टेस्ट किया जाता है। फास्टिंग में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट मींस रेफरिंग फ्रॉम द ईटिंग ऑफ ड्रिंकिंग एनी लिक्विड अदर देन द वाटर फॉर 8 आवर्स, इट इज़ यूज एज अ टेस्ट ऑफ डायबिटीज़। तो फास्टिंग का जो टेस्ट किया जाता है वो बेसिकली डायबिटीज़ चेक करने के लिए किया जाता है। फास्टिंग का मतलब होता है कि पेशेंट ने कुछ भी जो है वो कुछ भी ड्रिंक नहीं किया होता है या कुछ भी फूड नहीं खाया होता है, तो उस टाइम पर जो टेस्ट है वो किया जाता है। तो ये इसका जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 90 to 110 mg/dL जो है वो रहनी चाहिए फास्टिंग में। ठीक है, ये डायबिटीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है और नॉर्मल रेंज जो है इसकी 90 से 110 mg होनी चाहिए और फास्टिंग टेस्ट इसे बोलते हैं। उसके बाद आता है इसमें 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, मेजर ब्लड ग्लूकोज एग्जैक्टली 2 आवर आफ्टर ईटिंग अ मील, टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मील। तो पोस्ट प्रेंडियल जैसे कि नाम दिया हुआ है, तो ये कब चेक किया जाता है, ये खाना खाने के 2 घंटे के बाद, यानी कि मील खाने के बाद, यानी कि मील क्या होता है, कोई भी फूड अगर पेशेंट लेता है फूड खाने के बाद उसके 2 घंटे के बाद टाइम जो उसे टाइम नोट कर लिया जाता है, फूड लेने के एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद जो है पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट जो है वो किया जाता है। और इसमें कितना आना चाहिए, नॉर्मल रेंज कितनी रहनी चाहिए, इसमें होना चाहिए 140 mg/dL से नीचे रहना चाहिए हमेशा जब भी पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है इसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मेजर हाउ वेल योर बॉडी सेल आर एबल टू अब्जॉर्ब ग्लूकोज और शुगर आफ्टर यू इंजेस्ट अ गिवन अमाउंट ऑफ शुगर। अब यहाँ पर चेक किया जाता है कि बॉडी जो है, पेशेंट की बॉडी जो है वो कितना ग्लूकोज जो है वो टॉलरेट कर रही है या फिर उसको ऑब्जॉर्व कर रही है। अब यहाँ पर ग्लूकोज कितना ऑब्जॉर्व कर पा रही है, शुगर कितनी ऑब्जॉर्व कर पा रही है और कितना उसने शुगर जो है इंजेस्ट किया है अपनी बॉडी के अंदर, तो इसका भी मेजर जो है नॉर्मल फास्टिंग में भी चेक किया जाता है, 1 आवर के बाद भी चेक किया जाता है, 2 आवर के बिटवीन भी चेक किया जाता है। तो ये था इसमें नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो टेस्ट किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर प्री डायबिटिक्स भी लिखे हुए हैं, इसके नॉर्मल रेंज भी लिखी हुई है, जैसे फास्टिंग में कितना होना चाहिए 110 to 125 mg/dL होना चाहिए और पोस्ट प्रेडियल में होना चाहिए 140 to 199 mg/dL और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में होना चाहिए 62, फास्टिंग में 60 to 100 mg/dL और 1 आवर में होना चाहिए लेस देन 200 mg/dL और 2 आवर में होना चाहिए लेस देन 140 mg/dL। तो ये था हमारा ब्लड शुगर टेस्ट। तो इसमें हमने जाना कौन कौन सा टेस्ट इसके अंडर किए जाते हैं और किस लिए किए जाते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हमने जानी और इसकी नॉर्मल रेंज भी हमने जाना इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।